की करतूत सामने आई है। मिडलैंड हेल्थ केयर अस्पताल का कारनामा सामने आया है। दो दिन के बच्चे की मौत का यह मामला है। परिजनों का आरोप है कि बच्चे की मौत के बाद भी उसे वेंटिलेटर पर रखा गया और एक दिन का 1 लाख रुपए वसूला गया है। परिजनों का यह कहना है, मौत के बाद बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा गया है 2 दिन तक। मिडलैंड हेल्थ केयर अस्पताल का ये कारनामा है। एक बड़े प्राइवेट अस्पताल के तौर पर इसकी पहचान है, जहां बच्चे की मौत के बाद उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है 2 दिन तक। वहीं 1 दिन का 1 लाख रुपए वसूलने का अस्पताल पर आरोप है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता लखनऊ से भरत सेठी जुड़ गए हैं। भरत, जो आरोप लगाया जा रहा है कितना सही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से परिजन आरोप लगा रहे हैं वो शर्मसार वाली घटना है, क्योंकि डॉक्टरों को भगवान माना जाता है। उसके बाद ऐसी घटना को सामने आना, जो मासूम बच्ची, जो 2 दिन की बच्ची थी, उसके साथ ये घटना हुई है। साफ तौर पर जैसे जो परिजनों का कहना है कि बच्ची का जो जन्म हुआ है वो हर्बन हेल्थ केयर में हॉस्पिटल में हुआ था, जिसके बाद वहां पे वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं थी, तो वहां से फातिमा लाया गया। फातिमा में भी वेंटिलेटर जो था वो खराब था। फिर बच्ची को शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल में, जहां पर बच्ची की जो हालत थी उसके बारे में परिजनों को कोई भी जानकारी उन्होंने हॉस्पिटल प्रशासन ने नहीं दी। साफ तौर पर जो आरोप लग रहे हैं वो मिडलैंड हॉस्पिटल के ऊपर लग रहे हैं कि जब से बच्ची को वहां पे एडमिट करवाया गया, ना ही बच्ची की सेहत की स्थिति की जानकारी दी, ना ही बच्ची को देखने दिया गया। उनको बच्ची को वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया गया, और उसके बाद जब परिजनों का जब पूछा डॉक्टर से कि बच्ची को देखने दिया जाए, तो साफ तौर पर वहां के जो डॉक्टर थे उन्होंने कुछ नहीं देखने की साफ मना कर दिया। लेकिन उसके बाद जब बच्ची की मृत्यु हो गई और जब 1 लाख रुपए का बिल दे दिया, और बच्ची साफ तौर पर उनका जो आरोप है परिजनों का यही है कि बच्ची की मौत पहले हो चुकी होगी, वेंटिलेटर पर उन्होंने रखा है, क्योंकि अगर बच्ची की मौत नहीं हुई होती तो हमको देखने दिया जाता। साफ तौर पर कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं डॉक्टरों पर और मिडलैंड हॉस्पिटल के प्रशासन हॉस्पिटल पर। जी भरत, परिजनों ने जो इसकी शिकायत है वो क्या दर्ज करवाई है और क्या अब तक कुछ अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई हुई है? देखिए, बच्ची की जानकारी डॉक्टर्स के थ्रू उनको दी गई बाद में, तो उन्होंने हंगामा हॉस्पिटल में काटा और डॉक्टर से बात करना चाहे, लेकिन कोई भी डॉक्टर उनसे भरत आप बने रहिए। जिन परिजनों ने ये आरोप लगाया है बच्ची के, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हाँ, जो आपने आरोप लगाया है कि वेंटिलेटर पर 1 दिन रखा गया, आपको देखने नहीं दिया, क्या कोई ऐसा एविडेंस आपके पास मौजूद है ताकि जो कार्रवाई की जा सके हॉस्पिटल पर, क्योंकि हॉस्पिटल तो मानेगा नहीं कि बच्ची की मौत हुई थी। तो वापस हम भरत सेठी के पास आएंगे। हमने कोशिश की थी परिजनों से बात करने की, लेकिन हमारा संपर्क नहीं हो पाया। भरत, अब सवाल यह है कि हॉस्पिटल के ऊपर अगर कार्रवाई होती है तो हॉस्पिटल के खिलाफ एविडेंस आपके पास होने चाहिए, वो कैसे क्लियर करेंगे, कैसे ये साबित करेंगे कि बच्ची की मौत पहले हो चुकी थी? देखिए, डॉक्टर इसमें अपनी भी बात को जरूर रखेंगे, मीडिया के सामने डॉक्टर्स को आना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए, और तमाम जो हॉस्पिटल के अंदर सीसीटीवी कैमरेज भी होते हैं जिसकी निगरानी में सारा काम होता है। अब देखना होगा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर क्या जो जिस तरह से परिजन आरोप लगा रहे हैं वो कितना सत्य है, लेकिन एक बच्ची को खोना कहीं ना कहीं बेहद दर्दनाक हादसा कह सकते हैं या फिर घटना कह सकते हैं, मृत्यु किसके कारण हुई है इसका भी एक आगे जो पूरा उसका जांच होगी वो बातें सामने आएंगी। फिलहाल बच्ची के जो परिजनों ने हंगामा जरूर काटा है और डॉक्टरों से इसका जवाब सवाल का जवाब जरूर मांगा। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी क्या कार्रवाई अस्पताल प्रशासन पर होती है अगर वो दोषी है। बहुत बहुत शुक्रिया भरत इस खबर पर हमसे जुड़ने के लिए। और सिबी साहब को सीधे ले चलेंगे लखनऊ।